भाई आज हम चर्चा करेंगे केसमा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी लिमिटेड की वैकेंसीज के बारे में। केसमा पावर्स की ये जो वैकेंसीज है ये विंड और एनर्जी सेक्टर्स के लिए हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और सोलर्स के लिए भी इसमें कुछ वैकेंसीज हैं। और ये जो वैकेंसीज है टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सभी डेजिग्नेशंस के लिए इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। और अब हम चर्चा करेंगे इन वैकेंसीज के बारे में। बट वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल्स, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीरू। और अब हम चर्चा करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो जो पहली पोजीशन है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, ये GM वैकेंसीज है। बी बीटेक एम ई एम टेक इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले से तक 15 to 20 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। फिर उसके बाद और इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन और डिटेल है इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके लिए लिंक दे दूंगा, इसमें आप जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो पड़ेगा। GM क्वालिटी और सेफ्टी के लिए वैकेंसीज है। BE BTEC QESH सर्टिफिकेशन होना चाहिए और 15 to 25 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद हेड इंजीनियरिंग के लिए सिविल और स्ट्रक्चर्स में वैकेंसीज है। BE BTEC ME MTEC सिविल स्ट्रक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10 to 15 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। फिर उसके बाद जी के लिए वैकेंसीज है, डिप्लोमा और BE BTEC सिविल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 5 to 10 एक्सपीरियंस चाहिए है, लोकेशन इसकी चेन्नई रहेगी। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स की आवश्यकता है, BE BTEC इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, और सोलर और विंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस मांग रहा है। फिर उसके बाद ऑपरेशन स्टेट्स की बात की जाए तो इसमें BE BTEC इलेक्ट्रिकल सिविल में MBA एडवांटेज ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, 8 to 25 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। ऑफिस इसकी लोकेशंस रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजर डिप्टी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए वैकेंसीज है, BE BTEC इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, और स्टेट ऑफिस में पोस्टिंग है। इसमें जनरली प्लानिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिव स्टेट्स रोल इंक्लूड MIS वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर बाद मैनेजर फाइनेंस के लिए वैकेंसीज है, इसमें CA और ICW अप्लाई कर सकते हैं, 8 to 15 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। फाइनेंस अकाउंट में स्टेट ऑफिसर्स से बजट कंट्रोल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विल रिसीवेबल और पेबल स्टेट लेवल स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में होनी चाहिए। फिर उसके बाद लीगल लैंड एक्विजिशन के लिए वैकेंसी, कोई भी डिग्री या पोस्ट डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉ में मैंडेटरी है, 8 to 15 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, स्टेट ऑफिस में इसकी वैकेंसीज रहेगी। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड एक्विजिशन ऑफ रेवेन्यू लैंड फर्स्ट, ये मतलब राइट ऑफ वे सॉल्व। प्रोजेक्ट मैनेजर की इसमें वैकेंसीज है, BE BTEC इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल तीनों ब्रांच के अप्लाई कर सकते हैं, 15 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। इनकी जो अलग अलग प्रोजेक्ट साइट्स है जो चल रही है, कर्नाटक प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर इनकी वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद RCM यानी कि रेजिडेंशियल रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल और कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। अलग इसकी जो लोकेशन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजर लैंड्स एंड एग्जीक्यूटिव चाहिए है, LLB यानी डिग्री इलेक्ट्रिकल सिविल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोजेक्ट साइट इसकी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वेयर की वैकेंसीज है, ITI डिप्लोमा सिविल इंजीनियर सर्वे, 3 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जगह में पोस्टिंग रहेगी। टोपोग्राफी सर्वे, ट्रांसफर सर्वे, कैलिफिक्स कंट्रोल पॉइंट, स्टेबलिंग, शिफ्टिंग कंट्रोल एक्सपीरियंस, ये सब में एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लीड की वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट लीड में BE अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और ट्रांसमिशन वाले इसमें अप्लाई, 15 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। फिर उसके बाद इसमें 220 और अबव 220 और सब स्टेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज, BE डिप्लोमा सिविल सब स्टेशन ट्रांसमिशन वाले में अप्लाई कर सकते हैं, 5 to 10 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। प्रोजेक्ट साइट ऑलरेडी हो, फिर उसके बाद इसमें सुपरविजन करना है विंड सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, 220 के भी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आपका नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद अकाउंट्स की वैकेंसीज है, साइट एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, साइट एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद क्लीनिंग, जनरल एडमिन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, कीप रिपोर्ट, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्लानिंग और कंट्रोल की वैकेंसी के बारे में यदि आपको बताना चाहूँ तो इसमें BE BTEC इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 4 to 7 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस है। इसकी प्रोजेक्ट साइट कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, में रहेगी। MIS रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग और कंट्रोल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्ट इंजीनियर्स की बात की जाए तो BE BTEC डिप्लोमा सिविल और इलेक्ट्रिकल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 to 7 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, सभी प्रकार के इसमें स्टेट में ये जॉब रहेगी। और इसमें एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एक दफ्तर, और इसमें ISO 9000 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल क्लोजर्स ऑफ NCNRC NCR क्लोज करने के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग ऑफ FIFO प्रैक्टिस साइड वाइज MIS रिपोर्ट्स, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी इंजीनियर्स की भी इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, MTEC सेफ्टी इंजीनियर कर सकते हैं, BE BTEC डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री जो कि जिनका सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 to 7 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस। और अलग अलग स्टेट्स में इसकी वैकेंसीज आई हुई है। हेल्थ रिपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और ISO 14001 और SSC ट्रेनिंग देना है, लोगों ने स्टाफ में अवेयरनेस फैलाना है, ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करना है, ट्रेनिंग हमेशा देते रहना है, इस प्रकार का सेफ्टी इंप्लीमेंट्स गाइड को फॉलो करवाना है। फिर उसके बाद एट द लास्ट ये स्टोर कीपर्स की वैकेंसी है, किसी भी प्रकार की डिग्री इसमें चल सकती है, 3 to 7 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है। और रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना है। फिर उसके बाद मटेरियल्स का रिकॉन्सिलेशन, स्टैकिंग वगैरह के बारे में जानकारी इसमें, और मशीन ब्रेकडाउन, टाइम विजुअल इंस्पेक्शन, डैमेज और काउंट ऑफ 100% मटेरियल रिसिप्ट के बारे में, इंटीमेशन स्टोर रिसिप्ट, जो भी स्टोर रिसिप्ट आ रही है उसको कम्युनिकेट करना, रिसिप्ट और रिसिप्ट के वायर को इसको वेरिफिकेशन करवाना, MRCC के बारे में जानकारी और रिकॉन्सिलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो लगभग ये सभी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे दी है।
और इसमें अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, नेम, ईमेल आईडी, फोन, अप्लाई पोजीशन, एक्सपीरियंस आपको भरना है, फिर इसके बाद आपका सीवी अपलोड करना है, अपलोड के बाद इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है एचआर के कॉल का। ये मैंने पूरी जानकारी दे दी है और आई होप कि उस जगह आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक माय नोट्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।